दोस्तों हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। लोग राधा कृष्ण को सिंबल मानते हैं, प्रेम का प्रतीक मानते हैं, और राधा उम्र में बड़ी थी श्री कृष्ण से। लेकिन आज हम रियल लाइफ में देखें तो जैसे कि आशुतोष राणा जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े फिल्म स्टार है आशुतोष राणा जी। उनकी वाइफ रेणुका सहाणे जी उनसे उम्र में बड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर जी को लोग भगवान मानते हैं, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और उनकी वाइफ भी उनसे लगभग शायद 4 से 5 साल सचिन तेंदुलकर जी से उनकी वाइफ बड़ी है उम्र में। लेकिन रियल लाइफ में अगर हमें ऐसा कोई एग्जांपल हमारी सोसाइटी में आसपास देखने के लिए मिलता है तो लोगों का क्या नज़रिया रहता है उसके प्रति, और आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना इस वजह से बड़ा सामान्य ही है क्योंकि एक उम्र से अधिक अगर कोई चीज़ यहाँ पर वेरी कर रही है या फिर एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ है विवेक। विवेक के साथ साथ है कि उसको समझने वाले दोनों उस मैच्योरिटी के साथ उस प्लेटफॉर्म पर हैं। गया डेफिनेटली विवेक एंड मैच्योरिटी, आपने जो शब्द यूज किया बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है। इस अगर इस प्लेटफॉर्म पर अगर दोनों एक चीज पे आ रहे हैं तो वो स्वीकार है। हम बात सिर्फ सचिन तेंदुलकर या फिर राणा जी की नहीं करेंगे, हम अभी करंटली अगर इस वर्ष भी देखें तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ठीक है, और उसके हिसाब से कटरीना कैफ, विक्की कौशल, या फिर उससे पहले आपका विराट, अनुष्का, ना जाने इतने एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर आते हैं। इनफैक्ट हम अपने सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं कि उम्र को लेकर उस तरीके वाली चीज़ें नहीं है। एक धारणा है कि बच्चे की उम्र, लड़की की उम्र थोड़ी कम होनी चाहिए, लड़की की कंपेरेटिवली अधिक होनी चाहिए क्योंकि मैच्योरिटी दोनों में अलग अलग क्लास पर होती है। लेकिन यहाँ आखिरकार सवाल और जवाब एक ही है कि अगर दोनों का विवेक, दोनों की मैच्योरिटी अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर बैलेंस्ड हो रही है तो फिर उम्र मैटर नहीं करती है। भावावेश में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हाँ 5 साल तक के बारे में आपसे ये कह सकती हूँ कि हाँ आप बातचीत कर सकते हैं, दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं 5 साल से ज़्यादा कोई लंबा अंतर है, जैसे कि आपने रणबीर कपूर का जो भी आपने एग्जाम्पल दिया उसे देखकर मुझे लगता है कि अगर रियलिटी में आपकी सोसाइटी में अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो डेफिनेटली एक बार आपको अपनी काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में अलग हो सकते हैं और हमारी लाइफ में अलग या डिफरेंट हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर।